भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार निरहुआ भोले बाबा का पावन महीने में सावन में बाबा धाम देवघर जल चढ़ाने पहुंचे और भोले बाबा पे जल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त किए। दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ लकी गर्ल अम्रपाली दुबे भी बाबा धाम जल चढ़ाने पहुंची थी। देवघर बाबा बैजूनाथ धाम में इनके साथ भोजपुरी सिनेमा स्टार के सांसद मनोज तिवारी भी थे। देवघर सहित सभी शिव भक्तों व कांवरियों के बीच निरहुआ व अम्रपाली के आवाज में कांवर भजन गा के लोगों को मोहित भी किया, जिसका म्यूजिक निरहुआ म्यूजिक कंपनी से रिलीज किया गया है। गौरतलब है कि दिनेश लाल यादव की होम प्रोडक्शन फिल्म रामलखन बिहार में शानदार व्यवसाय करने के बाद 12 अगस्त को मुंबई के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म के निर्माता प्रवेश लाल यादव हैं तथा निर्देशक सतीश जैन ने किया है। फिल्म में अम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी काफी ही रोमांटिक दिखाई गई है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार निरहुआ भोले बाबा का पावन महीने में सावन में बाबा धाम देवघर जल चढ़ाने पहुंचे और भोले बाबा पे जल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त किए। दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ लकी गर्ल अम्रपाली दुबे भी बाबा धाम जल चढ़ाने पहुंची थी। देवघर बाबा बैजूनाथ धाम में इनके साथ भोजपुरी सिनेमा स्टार के सांसद मनोज तिवारी भी थे। देवघर सहित सभी शिव भक्तों व कांवरियों के बीच निरहुआ व अम्रपाली के आवाज में कांवर भजन गा के लोगों को मोहित भी किया, जिसका म्यूजिक निरहुआ म्यूजिक कंपनी से रिलीज किया गया है। गौरतलब है कि दिनेश लाल यादव की होम प्रोडक्शन फिल्म रामलखन बिहार में शानदार व्यवसाय करने के बाद 12 अगस्त को मुंबई के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म के निर्माता प्रवेश लाल यादव हैं तथा निर्देशक सतीश जैन ने किया है। फिल्म में अम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी काफी ही रोमांटिक दिखाई गई है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी मीडिया।